सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। व्यक्ति के पास जो भी बहुमूल्य वस्तु होती है, जैसे धन आभूषण, जो उसे लगता है कि बहुत ही महंगी है या बहुमूल्य है, वो उसे सहेज कर संभाल कर रखता है, ऐसे ही व्यय नहीं करता। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जीवन में सबसे बहुमूल्य है समय, क्योंकि समय सभी के पास सीमित है। इसलिए समय को व्यर्थ ही व्यय नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से जीवन समर्थ हो जाता है, इसलिए समय का सम्मान भी आवश्यक है और इसका ज्ञान भी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, पौष मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि मंगलवार, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है, इसके लिए आवश्यकता होती है दृढ़ संकल्प करने की। आशावादी और सकारात्मक विचार हमारी सोच को शक्ति प्रदान करते हैं, संकल्प को दृढ़ बनाते हैं और जीवन में कठिन कार्यों को करने का साहस प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को देखना और सुनना बेहद उपयोगी है। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता? सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता? वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with learning and humility? Whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure? In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। वो प्रेरणा हमें किसी व्यक्ति से मिल सकती है, उसके जीवन से मिल सकती है, या फिर मिलती है हमारे ग्रंथों से। रामायण की बात की जाए, जिसमें भगवान श्री राम के व्यक्तित्व और जीवन का वर्णन है, ऐसे में किस तरह से उन आदर्शों को हम अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं, उनका पालन करके अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सीख हमें मिलती है रामायण से। आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड से एक विवरण देखते हैं और जान लेते हैं क्या है इसके मूल्य, किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। सांद्रानंद पयोदसौ भगतनुम पीताम्बरम सुंदरम पाणौ बाण शरासनम कटिलसत् तूणीर भारम वरम राजीवायत लोचनम धृतजटा जूटेन संशोभितम
सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, जिनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता और लक्ष्मण सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का हम वंदन करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण ग्रंथ को भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत माना गया है। हमारी अस्मिता और सांस्कृतिक चेतना का आश्रय इस ग्रंथ में निहित है। ज्ञान, कर्म और उपासना की त्रिवेणी इस ग्रंथ में प्रवाहित होती है। रामायण के पात्रों तथा शिक्षाप्रद कथाओं से प्रत्येक भारतीय आदर्शभूत जीवन की शिक्षा सदियों से प्राप्त कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की रामायण श्रृंखला में आज बात करेंगे अरण्यकांड की। रामायण के 7 कांडों में तृतीय कांड अरण्यकांड है, जिसमें 75 सर्ग है। इस कांड में राम कथा के अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत वर्णित है, जिसमें राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास, ऋषियों की प्रार्थना से विराद आदि राक्षसों का वध, पंचवटी में निवास, रावण की बहन शूर्पणखा से भेंट, खर तथा 14,000 राक्षसों का वध, शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होने पर रावण का छल से सीता को हर लेना, जटायु की रावण द्वारा हत्या, राम का करुण विलाप, राम की कबंध से भेंट, कबंध द्वारा राम को सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श दिया जाना, राम के द्वारा पंपा सरोवर का दर्शन इत्यादि ये महत्वपूर्ण प्रसंग वर्णित है। वस्तुतः श्रीमद् वाल्मीकि विरचित रामायण ग्रंथ का प्रत्येक अंश, कथा, प्रसंग, वृत्तांत मानव मात्र को आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। उत्तर भारत में सर्दी का प्रभाव है। सर्द मौसम और कम तापमान मधुमेह रोगियों के लिए जटिलताएं बढ़ा सकता है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इस मौसम में जटिलताओं से बचाव के लिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किस तरह की सावधानियां रखनी है मधुमेह रोगियों को, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम है, ठंडे मौसम का प्रभाव वैसे तो सभी पर पड़ता है, लेकिन वो लोग जो पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें अधिक देखभाल और सतर्कता की आवश्यकता होती है, जैसे मधुमेह से ग्रस्त लोग। सर्दियों के मौसम में मधुमेह रोगियों की समस्याएं और जटिलताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मौसम में उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों में सर्दियों में से जो दिक्कतें आती हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको अपनी एक्टिविटी के लेवल बढ़ाने चाहिए, उनको रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो इंडोर अपने अंदर ही अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो है अपनी योगिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज और बहुत तली चीजें ना हो, इसकी बजाय आप हेल्दी डाइट का जो है इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, नट्स का इस्तेमाल करें, और जो है हलवे और जो खास करके ऐसी चीजें जैसे कि जो है गजक है, कभी कभी थोड़ी मात्रा में सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा लेने से आपकी शुगर के लेवल बढ़ सकते हैं। मधुमेह होने पर व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है, या फिर शरीर इंसुलिन हार्मोन का उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है। इंसुलिन भोजन से शर्करा यानी ग्लूकोज को कोशिकाओं में अवशोषित करने में सहायक होता है। शरीर में इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन न हो तो कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख नहीं पाती और रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है।
ऐसा होने पर व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं आते और क्षति बढ़ती जाती है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए और शर्करा का बढ़ा हुआ स्तर काफी समय तक रहे तो ये शरीर के अंगों को प्रभावित करता है, हृदय रोग की संभावना हो सकती है, दृष्टिहीनता, गुर्दे की बीमारी और कई अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को मधुमेह रोग है उन्हें सर्दियों के मौसम में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठंडे मौसम का प्रभाव मधुमेह रोगियों पर अधिक होता है और उन्हें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहना और भी जरूरी हो जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग जरूर करें, क्योंकि जब तक आप अगर टेस्ट नहीं करेंगे पता ही लगेगा। और खास करके सर्दियों में ये होता है, ठंड की वजह से जो है हाथ के अंदर जो हम ब्लड कर निकालते हैं तो मुश्किल से निकलता है और दर्द भी बहुत होती है। तो इसलिए इससे पहले अपने हाथों को गर्म पानी में से अच्छी तरीके से थोड़ा गर्म कर लें तो आपका ब्लड टेस्ट बड़ा ईजी हो जाएगा। अपना विंटर की जो बीमारियां उसके लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं, जैसे फ्लू के लिए। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, अपनी उतनी ही मात्रा में जैसे आप बाकी मौसम में पानी पीते हैं पानी लेते रहें। और अपना मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन और योगिक एक्सरसाइज जरूर करें। ठंडे मौसम में सावधानी रखें और समस्याओं से बचाव करें। जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में अपनी उचित देखभाल करें, समय समय पर विशेषज्ञ से जांच करवाते रहें। ये ध्यान रखें कि क्या आपके शर्करा का स्तर नियंत्रित है या नहीं। जिन रोगियों को मधुमेह की जटिलताएं हो रही हैं, उन्हें विशेषज्ञ से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। साथ ही सावधानी रखनी चाहिए जिससे जटिलताओं से बचाव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। मधुमेह रोगियों के लिए बेहद लाभकारी है योग। नियमित रूप से योग करने से मधुमेह रोगियों में रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है और मधुमेह के होने वाली जटिलताओं का खतरा भी कम होता है। आइए देखते हैं वो योगिक क्रियाएं जो करने से मधुमेह रोगी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सारिका शाह है। आइए आज हम देखेंगे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए योगासन एंड प्राणायाम। मैट के ऊपर आएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, योगिक वे से एक साइड टर्न होके लेटना है इस तरह से। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में बने रहेंगे यही पोस्चर के अंदर 5 काउंट्स तक, और उसके बाद पैरों को धीरे से नीचे लेके आएंगे। और ये प्रैक्टिस आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हो। योगिक वैसे ही उठ के बैठ जाएंगे और प्राणायाम के लिए रेडी हो जाएंगे। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठेंगे, दोनों हाथों को थाइस के ऊपर। हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अनुलोम विलोम। प्रणव मुद्रा लेंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स फोल्ड करेंगे, नोज के यहाँ पे लेके आएंगे, राइट से इनहेल करेंगे 2 काउंट्स, होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए 3 काउंट्स, 1 2 3। एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से 2 काउंट्स, 1 2। इनहेल लेफ्ट, 1 2। क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल, 1 2 3। एक्सहेल फ्रॉम राइट, 1 2। देन रिलीज स्लोली। इसी टॉपिक के ऊपर अब देखेंगे कुछ टिप्स हमारी योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से हमारे सारे अंदर के दूसरे अवयव भी बराबर काम नहीं करते, और इसीलिए डायबिटीज को हटाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज को हटाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर वो हट सकता है। कोशिश करें कि योग में जो प्राणायाम है वो नियमित रूप से करें। चलना, वॉकिंग डायबिटीज का ट्रीटमेंट है। सवेरे 45 मिनट वॉक, शाम को आधा घंटा वॉक बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज में ज़रूरी है कि माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखें। अक्सर डायबिटिक पर्सनालिटी को कोई भी चीज़ परफेक्ट ना हो वो उन्हें चलता नहीं। हर चीज़ उन्हें परफेक्शन में चाहिए। अब वो छोड़ दें, आप भले चीज़ें परफेक्शन में करो, दूसरे नहीं कर पाएंगे तो उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार है। दूसरों के दोष निकाल निकाल कर उनको नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे टेंशन आपका बढ़ेगा और लोगों का बढ़ेगा। तो ज़रा रिलैक्स होना सीखें, मेडिटेट करें, बहुत फ़ायदा हो जाएगा।
नमस्कार। और कहा जाता है कि अगर बेहतर रखना है अपने जीवन को तो कुछ बातें स्वीकार कीजिए, जिसको आप बदल सकते हैं उसके बदलने पर ध्यान दीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, और जो आपको लगता है बदली नहीं जा सकती हैं उसको वैसे ही स्वीकार करके खुद को बदल लीजिए। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूं, मजदूरी का लाइन। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनुष्य को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। निरंतर सीखने से हमारी क्षमता बढ़ती है, जीवन में सुख समृद्धि सफलता बढ़ती है। और अगर बात हो मंत्र सीखने की तो इससे जीवन में ऊर्जा भी बढ़ती है। संस्कृत पाठशाला में हम आदित्य हृदय स्तोत्र सीख रहे हैं। अभी तक आप इसके 16 श्लोक सीख चुके हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप इसका अभ्यास अवश्य कर रहे होंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं इसके आगे वाले श्लोकों यानी स्तोत्र का ज्ञान। चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृत पाठशालायां वयं वाल्मीकि रामायणस्य युद्धकाण्डे वर्णितं आदित्य हृदय स्तोत्रं पठन्तः स्मः। आयान्तु अधुना अग्रिमान् श्लोकान् पठामः। जयाय जय भद्राय, जयाय जय भद्राय, हर्यश्वाय नमो नमः, हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो, नमो नमः सहस्रांशो, आदित्याय नमो नमः, आदित्याय नमो नमः। जयाय जय भद्राय, हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो, आदित्याय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो, आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय, नम उग्राय वीराय, सारंगाय नमो नमः, सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय, नमः पद्मप्रबोधाय, मार्तण्डाय नमोऽस्तुते, मार्तण्डाय नमोऽस्तुते। नम उग्राय वीराय, सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म
प्रबोधाय मार्तंडाय नमोस्तु ते। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे सूर्यायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः रौद्राय वपुषे नमः। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। मित्राणि, एतस्मिन् अंके एतावत् एव। आशासे भवन्तः आनन्देन स्तोत्रं पठन्तः सन्ति। यदि काचित् अतिरिक्त सहायता अपेक्षिता तर्हि एक्स इति पटले कृपया सूचयन्तु। तावत् आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। देश में सौर ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक पहल हुई है गुवाहाटी में, जहां के लोगों ने पानी पर तैरने वाला सोलर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन में तो उसकी क्षमता में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही जल संरक्षण के लिए भी ये तकनीक काफी लाभदायक है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। यूं तो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल आमतौर पर जमीन या भवन की छतों पर लगाए जाते हैं, लेकिन आज आपको दिखाते हैं एक अनूठी पहल। आईआईटी गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने पानी पर सोलर प्लांट स्थापित करने में दक्षता हासिल की है। ये प्रयास है क्वेंट सोलर नाम के एक स्टार्टअप का, जहां युवाओं ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से फायदा ये भी है कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ इससे जमीन की बचत भी होती है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स आर फास्ट इमर्जिंग एज थर्ड पिलर ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन अक्रॉस द ग्लोब आफ्टर ग्राउंड माउंटेड एंड रूफटॉप। एंड द रीजन बीइंग दैट फ्लोटिंग सोलर ऑफर्स लॉट ऑफ इनहेरेंट बेनिफिट्स व्हिच अदर मोड ऑफ इंस्टॉलेशन डज नॉट ऑफर। अमंग दीज बेनिफिट्स द मोस्ट क्रूशियल वन इज अबाउट सेविंग लैंड, बिकॉज वी कैन यूज द अनयूटिलाइज्ड वाटर सर्फेस of reservoirs, dams, lakes, and that helps in saving the land for better utility. Floating solar plant को dam और जलाशयों के ऊपर लगाया जा सकता है। पानी के cooling effect की वजह से बेहतर क्षमता के साथ ऊर्जा उत्पादन भी किया जा सकता है। साथ ही साथ ये plant वाष्पीकरण को 70% तक कम करता है, जिससे पानी को बचाने में मदद भी मिलती है। ज़्यादा efficiency से power generate कर पाते हैं, क्योंकि पानी के cooling effect के कारण सोलर पैनल्स का जनरेशन बेटर हो जाता है। और इसका एक और फायदा ये है कि ये पानी का इवोपरेशन रोक पाता है, जिसके कारण हम फ्रेश वाटर को बचा पाते हैं। अब हमारे देश में हज़ारों हज़ार जलाशय हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, झील हैं, तालाब हैं, तो अगर हम इन तरह के वाटर बॉडीज़ के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगाएं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी बड़ा कदम होगा। देश में बड़ी तादाद में मौजूद जलाशय, डैम, झील और तालाब पर सोलर प्लांट लगाने से एक ओर जहां बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार साबित होंगे। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता, यानी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता और उनको सफलता नहीं मिलती। इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो उन्हें ये ज़रूर समझ जाना चाहिए कि जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं,
उसकी वर्ष भर सिंचाई करते हैं, रोज उसमें पानी डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन वो फल या फूल वर्ष के एक मौसम में ही देता है। ठीक उसी तरह से जीवन में भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। निरंतर रोज मेहनत करते रहिए, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। सही समय पर आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। परिश्रम जारी रखिए और साथ ही आशावादी दृष्टिकोण भी रखिए, क्योंकि जीवन में आशा रखने से जीवन में उत्साह मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर आज के कार्यक्रम में आपसे अनुमति चाहेंगे, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।